तो दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। MIUI 10 का स्टेबल अपडेट रेडमी नोट 3 3S प्राइम के लिए निकल के आ चुका है, पर ये अपडेट आपको कब तक मिलेगा तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, स्क्रीन शॉट भी दिखा रहा हूँ और ये कितने साइज़ की है वो भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज़ हम लाते ही रहते हैं। तो कैसे आप लोग तो दोस्तों जब ये न्यूज़ निकल के आई थी मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि Redmi Y1 Redmi बहुत सारी डिवाइस ऐसे हैं जिन्हें अपडेट अभी तक MIUI 10 का नहीं मिला था, फिर भी Redmi Note 3 और 3S Prime के लिए अपडेट सबसे पहले रोल आउट किया गया। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है Redmi Note 3 और 3S Prime के लिए, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि Redmi 3S और Note 3 पुराने डिवाइस हैं Redmi Y1 और Redmi 4 से, फिर भी उन्हें ये अपडेट पहले देखने को मिलेगा तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये रहा स्क्रीनशॉट जिसमें बताया गया है MIUI 10 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट हो रहा है। तो दोस्तों इसका साइज 300 MB से कम है, तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या कुछ मिलेगा। आपको पोर्ट्रेट मोड ये सब कुछ देखने नहीं मिलने वाला है दोस्तों इसमें, और ना ही कुछ ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे दोस्तों, पूरा MIUI 10 का लुक आपको मिल जाएगा इस अपडेट में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि Redmi Y1 को तो अभी तक वो भी नहीं मिला है पर आपको दे दिया गया है, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों बात करते हैं आपके डिवाइस में कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको एक ये न्यूज़ दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये रहा देखिए, डिवाइस विद MIUI 10 अपडेट रोलिंग आउट, Xiaomi Note 3 और Redmi 3S 3S Prime और 3X के लिए MIUI 10 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट हो रहा है। दोस्तों ये स्पेशल फॉर है, मैंने कोई झूठी न्यूज़ आपको नहीं बताई है। तो आप देख सकते हैं फॉर MIUI 10 अपडेट डेट इज स्टिल रोलिंग आउट रैंडमली, प्लीज़ डू नॉट लीक डाउनलोड लिंक। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि MIUI 10 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट हो रहा है पर सारे यूज़र के लिए नहीं हो रहा है, कुछ ही रैंडम यूज़र को मिलेगा ये अपडेट। तो ये अपडेट अगर आपको मिलता है, आप रैंडम यूज़र में हो, तो इस अपडेट को लीक मत कीजिएगा, क्योंकि ये बैन है दोस्तों, इससे कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं सारे डिवाइस में, तो इसे आप लीक ना ही करें। पर दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि MIUI 10 का स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट हो गया है, तो दोस्तों जैसे ही मुझे लिंक मिलती है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप चेक कीजिएगा कि जैसे ही मुझे लिंक मिलती है मैं अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये सारे यूज़र को कब तक मिल जाएगा इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे Redmi 4 को अभी तक अपडेट नहीं मिला था, पर हाल ही में उसे जोड़ दिया गया है MIUI 10 का स्टेबल अपडेट। तो दोस्तों पहले ऐसा Redmi 4, Redmi Note 3, Redmi 5 ऐसे सारे डिवाइस के साथ हुआ है, तो उन्हें भी ऐसे करके अपडेट दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अगर आपके पास अभी Redmi Note 3, Redmi 3S और 3S Prime है, तो पहले क्या होगा, आपको धीमे धीमे अपडेट ये मिलेगा तो कुछ ही यूज़र को मिलेगा, उसके 10 दिन बाद सारे यूज़र को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो अपडेट, जब कन्फर्मेशन न्यूज़ आ जाती है कि ये अपडेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये अपडेट सेफ़ है आपके लिए, तभी ये अपडेट आपके डिवाइस में आएगा। तो दोस्तों इसमें कुछ टाइम लग सकता है, 5 से 6 दिन भी लग सकता है या 10 दिन लग सकता है। तो दोस्तों आज डेट है 8 तारीख, आपको 20 तारीख से पहले आपके डिवाइस में नोट 3 या 3S प्राइम में आपको ये अपडेट मिल जाएगा। और दोस्तों मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ लिंक का, तो दोस्तों जैसे लिंक मुझे मिलती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ नया आएगा। तो दोस्तों मैं पहले ही कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं आ रहा है, ना ही पोर्ट्रेट मोड आएगा, ना ही फेस अनलॉक आएगा, ना ही कुछ ज़्यादा फीचर आएंगे। तो दोस्तों फीचर क्या आएंगे इसमें, तो दोस्तों वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, पूरा फुल रिव्यू दूंगा जैसे मुझे डाउनलोड लिंक मिलता है, अपने डिवाइस में मैं अपडेट कर लूँगा। तो दोस्तों जल्दी से आप बताइए आप क्या चाहते हैं कि मैं Redmi Note 3, Redmi 3S Prime में जो अपडेट आ रहा है उसकी रिव्यू लाऊं। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं कि इसमें पोर्ट्रेट मोड या ये सब तो देखने नहीं मिलेगा हमें फेस अनलॉक, तो इसमें सिंपल से चेंज मिलेंगे तो उसका भी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाते ही रहूँगा। तो होप ये न्यूज़ आपको आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये न्यूज़ हमें अच्छी लगी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।